16.7 प्लास्टिक का पुनः चक्रण रीसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयोग करने के पश्चात इधर उधर फेंक दी जाती हैं, किंतु ये मिट्टी में अपघटित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इनको नष्ट करना अथवा इन्हें पुनः उपयोग में लाने लायक बनाना आवश्यक हो जाता है। अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को प्लास्टिक का पुनः चक्रण कहते हैं। सन 1988 में प्लास्टिक उद्योग संस्था के द्वारा विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों को पहचान कोड दिए गए। प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने से पहले प्लास्टिक उत्पादों को उनके पहचान कोड के अनुसार अलग अलग किया जाता है। इन पहचान कोडों को 7 समूहों में बांटा गया है। पहचान कोड में संख्या को 3 तीरों के प्रतीक के मध्य रखा जाता है। सारणी क्रमांक 2। समान कोड वाले प्लास्टिक का पुनः चक्रण एक साथ किया जाता है। सारणी क्रमांक 2, प्लास्टिक पहचान कोड एवं उपयोग। पहचान कोड 1, वस्तुओं के नाम, पानी बोतल, शीतल पेय बोतल, जैम का जार। 2, पानी का पाइप, बच्चों के खिलौने, जूस हेतु बोतल, शैम्पू तथा क्रीम हेतु बोतल। 3, पीवीसी पाइप, जूस हेतु बोतल। 4, 5, 6, 7। क्रियाकलाप 1, अपने आसपास पाई जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पहचान कोड को नोट कीजिए। प्रत्येक कोड की कौन कौन सी वस्तुएं मिली उन्हें वर्गीकृत कीजिए। क्या आपको सभी 7 कोड की वस्तुएं मिली? अपने साथी द्वारा नोट की गई वस्तुओं के कोड को भी देखें तथा कक्षा में चर्चा करें। 4 से 7 कोड वाली कौन कौन सी प्लास्टिक की वस्तुएं मिली उन्हें सारणी क्रमांक 2 को कॉपी में बनाकर भरिए। प्लास्टिक के पुनः चक्रण पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी एकत्र कर कक्षा में इस पर चर्चा करें।